चैनल पे स्वागत है। माय नेम इज प्राची शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस फ्री लाइव सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्रेड अप चैनल ऑन ग्रेड अप ऐप ऑन यूट्यूब। मेरा नाम प्राची शर्मा है और मैं सभी का स्वागत करती हूँ इस फ्री लाइव सेशन में जो ऑर्गेनाइज किया गया है ऑन द ग्रेड अप ऐप एंड ऑन यूट्यूब। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे जैसे वो ज्वाइन इन करते जाएं, चाहे ऐप पे या यूट्यूब पे, मेक श्योर कि आप हेलो गुड मॉर्निंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते हैं। हाय प्रियंका, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आई एम गुड प्रियंका, आई होप आप भी फाइन हैं। हाय ईल किंग गेमिंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो मोनिका, गुड मॉर्निंग, वेलकम। जो बच्चे एक्चुअली में सीरियस है ना इस एग्जाम के लिए, वो पक्का इस क्लास को अटेंड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए। शहबाल, गुड मॉर्निंग। हाय क्रिएटिविटी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आई होप आपका भी जो डे है उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहे जितना मेरा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाय रामदियो, गुड मॉर्निंग। हेलो एकता, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। वेल मोनिका, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। हाय शरीफ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। हेलो स्वागतमा, गुड मॉर्निंग। हेलो मोनिका, जल्दी जल्दी से ज्वाइन इन करें। जैसे जैसे ज्वाइन करते रहें, हेलो लिखते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, गुड मॉर्निंग जरूर लिख दीजिए। यस मोनिका, करेक्ट कह रही हैं आप। हम एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं। हाय ममता, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। काफ़ी कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे आज, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग एक्चुअली में सीरियस हैं नेट JRF के लिए, तो आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी बहुत ही बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ कोई भी क्लास को मिस मत करिएगा कभी भी। तो जल्दी जल्दी आइए क्लास में। हाय रूपाली, निष्ठा, गुड मॉर्निंग। वेल ममता, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आई एम वेरी फाइन। आई होप कि आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं एंड आपको रिविजन करने को टाइम मिल पा रहा है। हेलो ऋतिक, संदीप, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। यस मोनिका, थोड़ी देर बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम पे, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ठीक है। हाय निशा, गुड मॉर्निंग। राहुल, उमा, गुड मॉर्निंग। नहीं मोनिका, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लास में भी नोट्स बनाते रहें, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो विकास, गुड मॉर्निंग। वेल थैंक यू सो मच ममता दैट यू आर हैप्पी इन माय क्लास। हाय संतोषी, वेलकम। Come on, come on, keep on coming. Let's wait one more minute and then we'll start. Okay, one more minute wait कर लेते हैं। I know सुबह का time है, बच्चे आने में इतने ज़्यादा happy नहीं रहते, so one more minute wait कर लेते हैं। हेलो विकास, हाय रामदियो, आरती, रूपाली, रूपाली इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वेल उमा, इफ यू हैव योर रेगुलर क्लासेस देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सी द रिकॉर्डिंग लेटर, ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज। आई नो इट कैन बी अ बिट हेक्टिक, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट
NET examination is also important and its preparation is also important. So I can recommend you that when you are taking your regular classes, make sure that you watch the classes at grade up as a recording. Recording ke form pe aap baad mein dekhein, zarur dekhein, sare lectures already available rehte hain. ग्रेड अप ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं. ठीक है, चलिए तो फिर हम आज की क्लास के साथ बिगिन करते हैं. सो आज की क्लास का टॉपिक आप देख सकते हैं है सिविल सोसाइटी. नाउ सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बिकॉज अगर आप अभी नोटिस करेंगे तो रिसेंटली नेट एग्जामिनेशन इज वेरी मच फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड हाउ द गुड गवर्नेंस एज एन आइडियोलॉजी फंक्शन. ओके, हाय सक्षम, अंजलि गुड मॉर्निंग. ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो काफी बच्चे हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं. वेल आई विल बी जस्ट टेलिंग दैट आयदुल मिला गुड मॉर्निंग. ओके, सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिविल सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड देर इज अ रीजन बिहाइंड इट. क्योंकि ये जो सिविल सोसाइटी का टॉपिक है ना, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो एटलीस्ट 3 यूनिट्स को ओवरलैप करता है. इट ओवरलैप्स इन 3 यूनिट्स एंड दैट इज वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है. ईल किंग गेमिंग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम ये टॉपिक कौन से यूनिट में आता है. आप सभी को याद होगा हमने नेट का सिलेबस डिस्कशन किया था. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिए, हमने नेट के सिलेबस का डिस्कशन किया था डिटेल में. सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर मेक श्योर यू सी इट. Now, why civil society as a topic is important, especially because this is one topic that overlaps in 3 units. इसके बारे में 3 units में बात की गई है, 3-3 unit में इस topic से regarding बात की गई है. पहला जो unit है जहां civil society के बारे में बात की गई है वो है unit 4, comparative political analysis CPA. आप सभी को पता है कि इस बार 17 questions आए थे CPA से. सो वहां सिविल सोसाइटी, एनजीओस, इन सब की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की बात की गई है. नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 8, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया PPI, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया PPI. उधर सिविल सोसाइटी के बारे में बात की गई है कि इंडिया में सिविल सोसाइटी के क्या क्या ग्रुप्स हैं उनके बारे में यू नीड टू नो. ओके, एंड एनजीओ और सोशल मूवमेंट्स जो हैं उनके बारे में बात की गई है. एंड लास्ट यूनिट जहां सिविल सोसाइटी के बारे में बात की गई है वो है यूनिट 10, वो है यूनिट 10, दैट इज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया. इसमें बात की गई है कि सिविल सोसाइटी का रोल क्या है गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए, एक बेहतर शासन को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका होती है उसके बारे में गवर्नेंस यूनिट 10 में बताया गया है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी एज अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है बिकॉज एज यू कैन सी दिस टॉपिक ओवरलैप्स इन 3 लेक्चर्स ऑल टुगेदर, इन 3 यूनिट्स ऑल टुगेदर. 3-3 यूनिट्स में आपको ये सिविल सोसाइटी का टॉपिक देखने को मिलता है. सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में बन जाता है. ओके, नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द ऑफर. आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले फेब्रुअरी मेला चल रहा था, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि फेब्रुअरी मेला जो है वो एक्सटेंड कर दिया है और अब आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी 50% ऑफ में. यानी कि अगर 3 मंथ्स का आप सुपर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स का सुपर सब्सक्रिप्शन मिलेगा एंड दैट टू एट 50% ऑफ. डबल वैलिडिटी का मतलब है कि अगर आपने 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आपको प्लस 3 मंथ्स और मिलेंगे, टोटल 6 मंथ्स आपको 50% ऑफ में मिलेंगे. याद रखिए कि नेट का एग्जाम मई में है, नेट का एग्जाम मई में है. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्री क्लासेस से आप सारा काम कर लेंगे तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम ग्रेड अप पे पूरी कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स पढ़ा दें, पर क्योंकि हमारी क्लासेस ऑल्टरनेटिव होती हैं
तो पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए भी कि सारे टॉपिक्स हम कवर करा दें। बट जब हम ग्रेड अप पे पेड कोर्सेज में आपको लेक्चर्स देते हैं तो हम हर दिन के बेसिस पे लेक्चर्स देते हैं, जिसमें हमारा एम है कि मे के एग्जाम से पहले आपके सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दें। तो फिर उस एंगल से अगर आपको लगता है कि आपको हमारी पूरी गाइडेंस चाहिए, लाइक फुल गाइडेंस चाहिए, देन ग्रेड अप का ये ऑफर आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ आपको फुल गाइडेंस हम अपनी तरफ से देंगे। फ्री लाइव कोर्सेज में बस यही प्रॉब्लम होती है कि ऑल्टरनेटिव डेज पे आती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे टॉपिक्स कवर कराऊं, बट अगर आपको लगता है कि आपको हमसे और भी ज्यादा गाइडेंस और हेल्प चाहिए तो पेड कोर्सेज में आप आइए। सुपर सब्सक्रिप्शन एक ऐसा ऑफर है जिसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों के टॉपिक्स, दोनों के लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं और आपको मॉक टेस्ट भी फ्री मिलते हैं। तो ग्रेड अप सुपर अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑफर है एंड यू कैन एनरोल इट। अगर आपको ये लेने का मन है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रेड अप की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड मेक श्योर कि आप वेबसाइट पे जाके भी देखें हमारे यू नो ग्रेड अप के पेज को। ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर देखें। ओके, नाउ आगे बढ़ने से पहले मुझसे अभी एक बच्ची ने पूछा कि मैम एक बात बताइए कि हम नोट्स कैसे बनाएं। अभी क्लास में मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम हम नोट्स कैसे बनाएं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ। बहुत बार बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाना चाहिए, तो उसका मैं आपको एक बहुत अच्छा आसान तरीका बताती हूँ। पहली बात याद रखिए कि हर इंसान विशेष यानी कि यूनिक होता है, तो उसके नोट्स बनाने का जो तरीका है वो भी यूनिक होगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से सबसे बेटर तरीका नोट्स बनाने का है बुलेट पॉइंट्स में। बुलेट पॉइंट्स का मतलब है कि अगर आपको मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं तो पूरा का पूरा सेंटेंस लिखने की जगह आप बस उसके पॉइंट लिखिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी सिविल सोसाइटी के बारे में बताया कि ये तीन टॉपिक्स में कवर किया जाता है, और अगर आप इसे नोट्स में लिख रहे हैं तो आप सिर्फ लिखेंगे कवर्ड इन थ्री टॉपिक्स, कवर इन थ्री टॉपिक्स, बस। आप पूरा का पूरा लाइन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे कवर इन थ्री टॉपिक्स और आप वो यूनिट के नाम लिख दोगे, यूनिट 8, यूनिट 4, यूनिट 10। अब आपको पता है कि यूनिट 8, 4 और 10 क्या है, तो उसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके नोट्स बनाए जाते हैं। डिटेल में नोट्स तो आपको बाद में प्रोवाइड करा ही जाते हैं, पर मेरे हिसाब से क्लास में नोट्स बनाना उतना ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी क्लास को अटेंड करते वक्त खाली हाथ मत बैठे, हमेशा पेन और पेपर लेकर बैठे। और बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लास में नोट्स बनाएं, क्योंकि उससे आपका रिविजन होता है। बहुत बार बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम हमारी कॉलेज की क्लासेस चल रही हैं, हमारी ग्रेड अप की भी क्लासेस चल रही हैं, हमें सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली जब आप क्लासेस ले रहे हो आपका रिविजन होता है। ये एक चीज है जो बच्चे समझते नहीं है, उन्हें लगता है कि हाँ हाँ बाद में तो नोट्स प्रोवाइड कराए ही जा रहे हैं तो हम क्यों नोट्स बनाएं। नहीं, अगर आप क्लास में नोट्स बनाते हैं तो आपको इसका फायदा ये होता है कि आपका एक बार रिवीजन क्लास में हो जाता है, वो रिवीजन जो आप खुद सेल्फ स्टडी करके करने वाले थे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको नोट्स क्लास में बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब पे, जो जो मुझे जुड़ रहे हैं, और जो जो गूगल प्ले से ग्रेड अप ऐप को ज्वाइन करके मुझे जुड़ रहे हैं, प्लीज रेटिंग जरूर दे दीजिएगा लास्ट में, ओके। एंड अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो ओके लिख दो, ओके लिख दो कमेंट सेक्शन में। लाइक प्लीज कर देना ऑल द यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, प्लीज मेक श्योर टू लाइक। इट्स ओके आरती, नो सक्षम इज इट्स नॉट, ऑन यूट्यूब एज वेल प्लीज राइट ओके। जो बच्चे यूट्यूब से जुड़ रहे हैं ओके प्लीज लिख दीजिएगा। ऑल द ग्रेड अप स्टूडेंट्स मेक श्योर टू गिव मी रेटिंग इन द एंड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेट करता है मुझे कि हाँ यस आपको अच्छी लग रही हैं क्लासेस। एंड नेक्स्ट टाइम सब ग्रेड अप ऐप डाउनलोड करके आएंगे, जिन्होंने इस बार ग्रेड अप ऐप नहीं डाउनलोड करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
ओके ओके लिख दीजिए. यस प्रकाश, संदीप मिला, संदीप गिल, गुड गुड मॉर्निंग हाफिजुल. ओके तो चलिए, काफ़ी बच्चों ने ओके लिख दिया है, वेरी गुड. तो मैं क्लास के साथ बिगिन करती हूँ और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये वर्ड सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज का मतलब क्या होता है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज का मतलब क्या होता है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ओके, सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज एक तरह से समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में संदर्भित होता है. द सिविल सोसाइटी इज रेफर्ड एज द थर्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी. थर्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी का मतलब ये है दैट सिविल सोसाइटी इज अ बॉडी, इट्स एन इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स द नीड्स, इंटरेस्ट एंड इमोशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स. वो इंडिविजुअल्स जो एक सोसाइटी के मेंबर्स के रूप में होते हैं. आप सभी को पता है कि हम सब जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो जितने भी और मेंबर्स हमारे जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब एक सोसाइटी का पार्ट है, एक समाज का भाग है. और सिविल सोसाइटी इसी समाज का एक भाग माना जाता है, एक ऑर्गन माना जाता है दैट रिप्रेजेंट्स द नीड्स, इंटरेस्ट एंड इमोशंस ऑफ द इंडिविजुअल, जो लोगों की मांग, हित और भावनाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है. आप ये सोच रहे होंगे कि मैम, मैंने आपने यहाँ वर्ड थर्ड सेक्टर क्यों लिखा है, तो इसका मतलब क्या सिविल सोसाइटी के अलावा कोई और भी सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में? आपका आंसर है यस. आप सभी को पता होगा कि सोसाइटी एक बहुत बड़ा, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और इस सोसाइटी के नियंत्रण यानी मेंटेनेंस के लिए ऑन वन हैंड वी हैव स्टेट, ऑल्सो कॉल्ड एज गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस. Then apart from that, within a state, you also have some private actors, some private sectors as well, which is involved in ensuring that businesses work, economy grow in a society. And then the third sector basically represents the civil society, the society that represents the interest and needs of the individual. Okay? तो सोसाइटी एक तरह से वाइडर कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा सा सिद्धांत है, एक बड़ा आप कह सकते हो संगठन है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सेक्टर्स यानी कि क्षेत्र आते हैं, जिसमें से एक क्षेत्र है सरकार यानी कि सरकारी संगठन, जिनका सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा गोल ये है कि सोसाइटी के मेंटेनेंस और वेलफेयर का ध्यान रखे. उसके अलावा आता है प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र, जिसमें आते हैं व्यापार और कमर्शियल बॉडीज, जो अपने लाभ के लिए, जो इस इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बिजनेसेस यानी कि व्यापार का काम करते हैं, वो हो गए दूसरे क्षेत्र एक समाज के, क्योंकि वो भी एक समाज का ही भाग है, याद रखिए. तीसरा जो समाज का क्षेत्र यानी भाग है वो है नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी, जिसके अंतर्गत जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उन सभी के इंटरेस्ट यानी कि हित, उनके वैल्यूज यानी कि उनके मूल्य, उनके पर्पस यानी कि उद्देश्य, उनके इमोशंस यानी कि भाव और उनका बिहेवियर यानी कि व्यवहार को रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व मिलता है. ये सिविल सोसाइटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कड़ी का काम करती है सरकार यानी कि स्टेट और पब्लिक यानी कि जनता के बीच में. सिविल सोसाइटी एक तरह से कड़ी का काम करती है सरकार और पब्लिक यानी कि समाज के बीच में, और इसीलिए सिविल सोसाइटी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सिविल सोसाइटी एक तरह से पब्लिक की जो वैल्यूज है, जो इंटरेस्ट है, उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने का काम करती है. इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट, इट रिप्रेजेंट सॉरी द इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड पर्पसेस ऑफ द पब्लिक एंड प्रोवाइड अ फेयर रिप्रेजेंटेशन एट स्टेट लेवल और एट पब्लिक लेवल.
सिविल सोसाइटी जितने भी पब्लिक के इंटरेस्ट और वैल्यूज होते हैं उन्हें सरकार के सामने एक तरह से प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, और इसीलिए सिविल सोसाइटी स्टेट और पब्लिक की एक कड़ी बनकर काम करती है। ओके, आई होप ये बात सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि मैम हमें समझ तो आ गया कि सिविल सोसाइटी पब्लिक का पार्ट है, पब्लिक के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, बट कैसे वो सिविल सोसाइटी जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करती है, हमें ये समझ नहीं आया। वेल, आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी ऐसी संगठन यानी कि संस्थाएं यानी कि इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनका सबसे बड़ा उद्देश्य यानी पर्पस ये होता है कि सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखा जा सके, ये इंश्योर किया जा सके कि सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस सिचुएशंस पैदा हुई हैं, उनको किसी भी तरीके का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके, रिप्रेजेंटेशन और हेल्प प्रोवाइड की जाए। वो सारी के सारी इंस्टीट्यूशन जो इस प्रकार का सोशल वेलफेयर का काम करती हैं बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड एज पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि सिविल सोसाइटी एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक तरीके का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस आती हैं जिनका सबसे बड़ा एम यही होता है कि सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखा जा सके, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है सोसाइटी के उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जा सके, या किसी भी तरह का अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके सिटीजंस के माइंड में, और इसके साथ साथ इस बात को इंश्योर किया जाए कि गवर्नमेंट जिस तरीके का काम कर रही है वो और भी ज्यादा अकाउंटेबल यानी कि उत्तरदायित्व बन सके, गवर्नमेंट अपना काम, अपना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली कर सके। ये सभी उद्देश्य, ये सभी काम सिविल सोसाइटी द्वारा किए जाते हैं। इसका मतलब है कि सिविल सोसाइटी के अंतर्गत वो सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिनका मेन एम जन कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर का होता है, जैसे कि चैरिटीज, डेवलपमेंट एनजीओस, कम्युनिटी ग्रुप्स, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन, एडवोकेसी ग्रुप्स जो एक तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सिविल सोसाइटी का पार्ट है। बेस्ट तरीका ये समझने का कि कौन सा इंस्टीट्यूशन सिविल सोसाइटी का पार्ट है, उसका मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ। वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और गवर्नमेंट के काम में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, उन्हें सिविल सोसाइटी का पार्ट माना जाता है। जिसका मतलब ये है कि आप और मैं, हम भी सिविल सोसाइटी नागरिक समाज का भाग है, क्योंकि हम भी कभी कभार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके या मीडिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनके उन लोगों के अंतर्गत जागरूक यानी कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके का काम कर रही है, गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग इट्स जॉब हाउ, एंड दिस इज हाउ इवन वी बिकम्स द पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, एंड दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। एवरी इंडिविजुअल हु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी और प्रोवाइड्स हेल्प टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दे आर अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। याद रखिए कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट के, सरकार के अंतर्गत काम करके सोशल वेलफेयर का काम करती हैं। आप सभी को पता है कि जो सरकार यानी स्टेट है उसका भी मेजर रोल है सोशल वेलफेयर को इंश्योर करना, पर जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सरकारी संगठन हैं, उन्हें सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्योंकि याद रखिए कि सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट अलग अलग दो सेक्टर्स हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो सिविल सोसाइटी है उसमें गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के द्वारा जो एनजीओ चलाए जाते हैं वो सब सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं माने जाएंगे। गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं हैं वो सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं है। सिविल सोसाइटी एक तरह से समाज में जो लोग रहते हैं
उनमें जिन्होंने अपनी मर्जी से एक तरह से कह सकते हो, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, जो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, इस बात को इंश्योर रखते हैं कि गवर्नमेंट के काम में अकाउंटेबिलिटी आ सके, वो सब सिविल सोसाइटी का पार्ट है। तो याद रखिए कि गवर्नमेंट की ना तो कोई इंस्टीट्यूशन, ना कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं होती है। गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटीज आर टू डिफरेंट थिंग, टू डिफरेंट सेक्टर्स। ये आपको बात हमेशा याद रहनी चाहिए। ओके, अगर आपको यहां तक बात समझ आ गई है तो ओके लिख दीजिए। आई होप यूट्यूब में सबने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है। बहुत बार मैं देखती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया है पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही आपने लाइक किया है, तो प्लीज मेक श्योर कि लाइक कर दें, और अगर यहां तक समझ आ गया तो ओके लिख दें। नेहा, अभी सोशियोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, जैसी होंगी आपको बता देंगे। यस सक्षम, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप। ओके ओके लिख दीजिए। रुबीना, नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है, जो गवर्नमेंट के भागीदारी नहीं है, जो अलग से काम करते हैं, जैसे कि प्राइवेट एक्टर्स, निजी जैसे संस्थाएं होती है, जो प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते हैं ना। जब जैसे कि एनजीओज हो गए, जो हम लोग हैं, हम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, हम गवर्नमेंट की बातों को देख कर उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसे नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। मोनिका, रुबीना मैंने एग्जाम्पल तो ऑलरेडी दिया, एनजीओ, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल मूवमेंट। अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, वो सिविल सोसाइटी का यानी कि सार्वजनिक समाज का ही भाग है। ये तो मैंने अभी बताया, आप लगता है ध्यान से देख नहीं रहे हो क्लास को। नहीं निष्ठा, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। अरविंद केजरीवाल जिस दिन चीफ मिनिस्टर बन गए, वो गवर्नमेंट का पार्ट हो गए। एज अ चीफ मिनिस्टर वो उनकी ड्यूटी है कि वो सोसाइटल इश्यूज को उठाएं, ये उनका ड्यूटी है कि वो सोसाइटल इश्यूज को उठाएं, बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, ही इज द चीफ मिनिस्टर एंड दैट इज वाई इट इज हिज ड्यूटी टू एंश्योर कि वो सोसाइटल इश्यूज को उठा के उस पर बात करें, चाहे वो दिल्ली से रिलेटेड हो या वो किसी और इंडिया के पार्ट से रिलेटेड हो या इंटरनेशनली क्यों ना हो, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो उनकी ड्यूटी है करना। ही विल नॉट बी कॉल्ड एज पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। यस, जब वो एंटी करप्शन मूवमेंट का पार्ट थे, जो मूवमेंट अन्ना हजारे ने स्टार्ट किया था, और वो जब उसका पार्ट थे, तो यस आप कह सकते हो कि ही वॉज प्लेइंग अ रोल अंडर अ सिविल सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। वो सिविल सोसाइटी का भाग बन के सोशल मूवमेंट का पार्ट थे, यस। बट जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर बन गए, वो गवर्नमेंट का पार्ट हो गए। ऑलवेज रिमेंबर। ओके निष्ठा, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो यस यू आर करेक्ट कि जब अरविंद केजरीवाल वॉज पार्ट ऑफ अ सोशल मूवमेंट, देन यस ही विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, और आप कह सकते हो कि उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। याद रखिए, अगेन आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, यस मैं मानती हूं कि कोई गवर्नमेंट का भी व्यक्ति, कोई गवर्नमेंट का भी मेंबर अगर किसी सोशल मूवमेंट का पार्ट हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी सिविल सोसाइटी की कॉन्ट्रीब्यूशन निभाया, पर वो जो सोशल मूवमेंट है वो सिविल सोसाइटी का पार्ट है। याद रखिए, सोशल मूवमेंट कोई एक इंसान नहीं चलाता है, ना ही एक इंसान के प्रोफेशन पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की सिविल की प्रोफेशन पे डिपेंड करेगा कि वो सिविल सोसाइटी का पार्ट है या नहीं। आपको ये देखना है कि बड़ा एस्पेक्ट या कॉन्सेप्ट क्या है। सोशल मूवमेंट जैसे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में बहुत लोगों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बट द फैक्ट इज दैट उसमें मेजॉरिटी लोग, आम इंसान शामिल हैं, कॉमन पीपल शामिल हैं, दैट इज व्हाई इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके,
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज की भूमिका और महत्व क्या होता है। हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि नागरिक समाज की भूमिका और महत्व क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल सोसाइटी एक तरह से कड़ी यानी कि लिंक का काम करती है, अ लिंक बिटवीन हु द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। एक तरफ जो सिविल सोसाइटी है वो सिटीजन के जो इंटरेस्ट एंड नीड्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो लॉज और पॉलिसीज बनाई हैं सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक यानी कि अवेयर कराती है सिविल सोसाइटी। सो सिविल सोसाइटी दोनों तरफ से काम करती है। एक तरफ वो सिविल सोसाइटी एज ए लिंक काम करती है और गवर्नमेंट को सिटीजन्स के जो इंटरेस्ट एंड नीड्स हैं उनके बारे में बताती है एक प्रेशर के फॉर्म में। आप सभी को याद होगा कि जब मैंने आपको प्रेशर ग्रुप्स के बारे में एक बहुत बार पहले बताया था, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए, इवन जो सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं अभी, उससे हम गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि लोगों का मूड यानी कि बिहेवियर क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज दे वांट टू इंप्लीमेंट। सो फ्रॉम दिस एंगल यू विल नोटिस दैट सिविल सोसाइटी के अंतर्गत के अंडर जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो गवर्नमेंट को सिटीजन्स के जो मूड और बिहेवियर है, किस तरह के उनके इंटरेस्ट और नीड्स हैं, उनको भी रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके बारे में भी लोगों को बताते हैं। ठीक है, उनके बारे में गवर्नमेंट को बताते हैं जिनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फिर अपना एक्शन ले सकती है। और इसके अलावा सिटीजन्स के लिए या सोसाइटी के मेंटेनेंस या वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने किस तरह के लॉज और पॉलिसीज बनाए हैं उनके बारे में भी अवेयरनेस जो सिविल सोसाइटी है वो सिटीजन्स को करता है। जैसे कि आप सभी को पता है अभी कि उत्तराखंड में ग्लेशियर के फटने से एक बहुत ही ज्यादा ट्रेजेडी आ चुकी है, और इस पे बहुत सारी बातें स्टार्ट हो गई हैं कि कैसे जो रेनी विलेज है जिसने जो इस फ्लड की चपेट में आया या बहुत लोगों के घर डूबे उसमें, उन्होंने एक PIL साइन करके भेजी थी कि ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं बनने चाहिए बिकॉज वहाँ उनका क्लाइमेट चेंज खराब होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है खराब होता है, और उसकी वजह ही से ये ग्लेशियर फटने वाला इंसिडेंट हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ आप देखेंगे कि कैसे सिविल सोसाइटी ने एक तरीके का अवेयरनेस क्रिएट किया कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए थे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने के, शायद वो गलत थे, या साइंटिस्ट अपनी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि शायद ये स्टेप एक्शन गलत था। तो यहाँ आप देखेंगे कि सिविल सोसाइटी जो है वो गवर्नमेंट के एक्शंस को सिटीजन्स तक पहुंचाता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, और सिटीजन्स के जो मूड और बिहेवियर है उसके बारे में भी गवर्नमेंट को बताता है, जिसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट अपने एक्शंस ले सकती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि टू वे प्रोसेस का काम सिविल सोसाइटी करती है। ऑलवेज रिमेंबर कि सिविल सोसाइटी एक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि मैम क्या अरविंद केजरीवाल सिविल सोसाइटी का पार्ट है, क्या दलजीत दोसांझ सिविल सोसाइटी का पार्ट है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी एक कॉन्सेप्ट, एक सिद्धांत है जिसके अंदर रहकर बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे समूह अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं लोगों को जागरूकता, लोगों के अंतर्गत जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो सिविल सोसाइटी के अंतर्गत प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी आते हैं, सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन, ये सब के सब आते हैं। अनटिल एंड अनलेस दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जब तक वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है वो सारे के सारे सिविल सोसाइटी का रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इवन मीडिया, आप सभी देखते हैं मीडिया, टीवी और न्यूज़पेपर में जो आपको खबरें मिलती हैं वो भी एक तरह से सिविल सोसाइटी का काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी का एक पार्ट है, क्योंकि वो लोगों को अवेयर करवा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने किस किस तरह के रेगुलेशंस और लॉज को इम्प्लीमेंट किया है। सो यहाँ आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में भी अगर मैं एक तरह की इंफॉर्मेशन क्रिएट करूं, इंफॉर्मेशन फैलाऊं उन लोगों को जिनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, तो मैं भी सिविल सोसाइटी में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना योगदान निभा रही हूं। तो आप कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी समाज का वो भाग है जो और जितने मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनमें अवेयरनेस क्रिएट करता है, उन्हें बताता है कि समाज यानी सोसाइटी में एक्चुअली में चल क्या रहा है, और इसके अलावा उनके इंटरेस्ट के को रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचाने का भी काम करता है।
ठीक है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा। तो अगर मैं रोल एंड सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं तो पहला रोल आपको मैंने समझा ही दिया कि कैसे गवर्नमेंट के प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है सिविल सोसाइटी बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर। इसके अलावा कम्युनिकेशन क्रिएट करता है प्लानिंग प्रोसेस में। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट द्वारा, तो कहीं ना कहीं से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि सिविल सोसाइटी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि किस तरह से पॉलिसीज और कौन सी पॉलिसीज को बनाना चाहिए। तो वहां भी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने का काम सिविल सोसाइटी करती है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट की भी हेल्प करती है बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट यानी लागू करने के लिए। जैसे कि सिविल सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी समाज का भाग है, तो उन्हें पता है कि स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल पे कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे प्लानिंग अच्छे से हो सकता है। जैसे मैंने आपको उत्तराखंड का भी एग्जाम्पल दिया कि वहां जो रैनी विलेज में लोग रहने वाले थे, उनका ये कहना था कि हमें पता था कि ऐसी स्ट्रैटेजी एक दिन आएगी आएगी, क्योंकि इस हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट ने बहुत ही ज्यादा हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज किया, तो हमें पता था कि ऐसी सिचुएशन तो आएगी। तो यहाँ ये बात की गई है कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण से आप लोकल पीपल का हेल्प ले सकते हैं ये समझने के लिए कि कौन से तरह के लॉज और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सिविल सोसाइटी वहां भी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट है, तो वो रिसोर्सेस को मोबिलाइज करने का भी काम करती है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि भूमिका निभाती है एक तरीके का असिस्टेंस यानी कि सहायता प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों को जो अपने आवाज नहीं उठा सकते, वे लोग जिनको नहीं पता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, उन सभी को असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम सिविल सोसाइटी करती है। आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो रेप सर्वाइवर्स के लिए काम करते हैं, या जिन जो एसिड विक्टिम्स हैं उनको एक नई दिशा प्रोवाइड करने का काम करते हैं, या उनके जो ऑफेंडर हैं जिन्होंने ये गुनाह किया है, जो क्रिमिनल हैं उनको सजा देने में भी इनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एनजीओ जो सिविल सोसाइटी का पार्ट है वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वीकर सेक्शन और जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जिनको नहीं पता उनके क्या राइट्स हैं, उनको एक तरह से असिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व भी प्रदान करते हैं। ओके, उनको एक नई जिंदगी देने का काम भी करते हैं। इसके अलावा सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक अंकेशन में भी अपनी बहुत बड़ा भूमिका यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन निभाते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहा, स्पेशली सोशली लेवल पे, सोशल लेवल पे उसको जांच पड़ताल, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का काम भी सिविल सोसाइटी करती है। ओके, आई होप यहाँ तक बात सबको समझ आ चुकी है। इसके अलावा अगर किसी और तरीके का असिस्टेंस चाहिए फॉर डेवलपमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग या टेक्निकल असिस्टेंस, तो उसमें अपनी एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करने का काम भी एनजीओ करती है। नीति आयोग में ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसमें वो इन्हीं सिविल सोसाइटी मेंबर्स की मदद लेते हैं ये समझने के लिए कि प्लानिंग प्रोसेस किस प्रकार होना चाहिए या किस तरह की प्लानिंग मेथोडोलॉजी, किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए। नीति आयोग में केवल गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन ही लिए जाते पर सिविल सोसाइटी के इन सब मेंबर्स का हेल्प भी लिया जाता है, असिस्टेंस भी लिया जाता है, क्योंकि ये अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, इनके पास विशेष जानकारी होती है। ओके, आई होप यहाँ तक बात सबको समझ आ चुकी है। अभी आपके प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे एक आपको डायग्राम दिखेगा। ये डायग्राम मैंने आपको इसलिए दिखाया है जिससे आप ये समझ सकें कि कैसे सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट और नागरिक यानी सिटीजन के बीच में एक कड़ी का काम करती है, एक लिंक का काम करती है, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि मैंने जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट जितनी भी तरह की पब्लिक पॉलिसीज को लॉन्च करती है, इम्प्लीमेंट करती है, उसके बारे में शिक्षा यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड करना और उस वो आप एक समाज के लिए, एक नागरिक के लिए अच्छे हैं या बुरे, उनकी सारी जानकारी एक नागरिक को सिविल सोसाइटी प्रदान करती है। ये जानकारी जब लोगों के पास पहुंचती है तो लोगों को पता चलता है कि गवर्नमेंट उनको कितनी ज्यादा
गवर्नमेंट उनकी स्थिति यानी उनकी सिचुएशन को बेटर करने के लिए किन किन तरह के रूल्स और लॉज को बना रहे हैं, और इस तरीके की जानकारी से नागरिकों के बीच में एक तरीके का डायलॉग यानी कि डिबेटिंग स्टार्ट होती है। वो डायलॉग जो आगे चल के ये इंश्योर करता है कि एक सिटीजन, एक नागरिक किन को वोटिंग करेगा, यानी कि गवर्नमेंट के जब इलेक्शंस होंगे तो वापस वो पार्टी आएगी या नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में लिंक का काम करती है, जहां गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उनके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करती है सिटीजन को, और सिटीजन उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी एक तरह से धारणा, इंटरप्रिटेशन बनाते हैं कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे या वो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर है। एक स्टूडेंट है रुबीना, जिन्होंने पूछा मुझसे क्वेश्चन कि मैम इंटरनेशनली सिविल सोसाइटी का क्या रोल होता है। वेल रुबीना, सिविल सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग इन एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो अभी फार्म प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रही हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो सिविल सोसाइटी का पार्ट बन के ये बताना चाहती हैं कि कैसे सोशल मूवमेंट हो रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं वो भी ये काम कर रहे होते हैं। तो सिविल सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल पे भी उसी तरह काम करती है जिस तरह डोमेस्टिक लेवल पे काम करती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर है। अगर यहाँ बात सबको समझ आ चुकी है तो ओके लिख दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यूट्यूब पे। ग्रेडअप ऐप को डाउनलोड भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, यस मेघा, वेरी करेक्ट। यू कैन से दैट योगेंद्र यादव इज पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, क्योंकि वैसे तो योगेंद्र यादव ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है, पर जब तक पॉलिटिकल पार्टी वो पावर में नहीं आती तब तक ही विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। ओके, सो वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओके लिख दीजिए सर। संदीप, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वेल ममता, यूनाइटेड नेशन सिविल सोसाइटी का पार्ट आप कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस टेक्निकली नहीं, पर यूनाइटेड नेशंस के जो और बॉडीज हैं वो सिविल सोसाइटी का पार्ट बन सकती हैं, पर यूनाइटेड नेशन पर से को हम सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं मानेंगे। ऑल्दो जैसे यूनाइटेड नेशन का एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसको आप सिविल सोसाइटी का पार्ट तब भी कह सकते हो, बट नॉट यूनाइटेड नेशन पर से। रुबीना, मैंने आपको बताया कि नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब तो बहुत ही सिंपल है कि जो स्टेट का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, वो नॉन स्टेट एक्टर हो गए। अब नॉन स्टेट एक्टर्स में सिविल सोसाइटी भी आती है, प्राइवेट एक्टर्स यानी कि बिजनेसेस ग्रुप भी आते हैं। अंबानी, अदानी तो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है ना, तो वो नॉन स्टेट एक्टर हुए, पर वो है कि वो गवर्नमेंट के काम पे इम्पैक्ट जरूर डालती है। तो इस तरीके से होता है। वेल सागर, लेट्स कीप पॉलिटिकल एंगल असाइड। जो आप बोल रहे हैं वो तो ठीक है, बट आई विल एक्सपेक्ट और आई विल रिक्वेस्ट यू टू कीप द पॉलिटिकल एंगल असाइड, स्पेशली जब आप नेट के लिए पढ़ रहे हो। ओके, वेल ये डायग्राम बहुत सिंपल है ईल किंग गेमिंग। सिंपल यहाँ मैंने वही समझाया जो अभी तक समझाया है कि कैसे सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट का एक लिंक का काम करती है। ठीक है, दोनों को लिंक करती है, जिसमें जो गवर्नमेंट द्वारा लॉज और पॉलिसीज बनाती हैं, पब्लिक पॉलिसीज जो बनाती हैं, उनको सिटीजन्स को एजुकेट करती है उसके बारे में, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करती है कि देखो ऐसे लॉज और पॉलिसीज बनाए हैं। अगर मैं अभी फार्म प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल दूं तो आपको बेटर समझ आएगा। मैं बताती हूँ, गवर्नमेंट ने फार्म लॉज बनाए, गवर्नमेंट ने फार्म लॉज बनाए, उसके बारे में एजुकेशन पहुंची नागरिक के पास सोशल मूवमेंट के थ्रू, जो अभी चल रहा है फार्म प्रोटेस्ट। अब उस सोशल मूवमेंट यानी कि सामाजिक आंदोलन से एक नागरिक जो है उसको जागरूकता मिली कि या तो ये कानून सही है या गलत, और उसी के हिसाब से एक तरीके का डायलॉग और डिबेटिंग स्टार्ट हुआ है, जो आगे चल के ये देखा जाएगा कि सिटीजन उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि एक सिटीजन के पास सबसे बड़ी पावर होती है वोटिंग की।
जब इलेक्शंस आते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या सिटीजन्स जो नागरिक हैं वो भी इस बात से सहमत हैं कि फार्म प्रोटेस्ट सही है या नहीं। उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि गवर्नमेंट का आगे चल के किस तरीके का सपोर्ट पैदा होता है। ये बात यहां बोली गई है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ज्योत्सना जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं वो सिविल सोसाइटी का पार्ट तब बनेंगे अगर वो अपनी स्टेटस से हट के कोई काम करे। अगर वो गवर्नमेंट के पार्ट हैं और वो गवर्नमेंट की ही आगे पॉलिसीज को प्रमोट कर रहे हैं देन दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। बट अपनी जॉब को साइड में रखकर अगर वो पर्सनल लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं, कोई सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, तो वो सिविल सोसाइटी का पार्ट बनेंगे। पर अगर वो अपनी गवर्नमेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके कोई काम करेंगे तो वो सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं कहलाएंगे। सिंपल बात है, ठीक है। आई होप अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। ममता, सुप्रीम कोर्ट सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं बोला जाएगा, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत सिविल सोसाइटी का काम करता है। याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट का ही ऑर्गन है। तीन ऑर्गन होते हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी एक तरह से सिविल सोसाइटी का पार्ट है। मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे वो बॉडीज को हम सिविल सोसाइटी का पार्ट बोलेंगे जो सोशल वेलफेयर का काम करती है। ओके, जैसे आप कह सकते हो कोई ह्यूमन राइट्स ग्रुप या कोई ह्यूमन राइट्स काउंसिल ग्रुप, दे विल बी कॉल्ड एज सिविल सोसाइटी का पार्ट। ओके, आई सेड ममता कि जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड प्लीज। स्टूडेंट गिव मी वन मोमेंट। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके, सॉरी। तो सम स्टूडेंट इज आस्किंग मी कि मैम क्या यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि यूएनएससी, यूएनजीए, क्या वो सिविल सोसाइटी का पार्ट मानी जाएंगी? नो, मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन भी एक तरीके की इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेट का ही काम कर रही है, तो वो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गन सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं माने जाएंगे। बट यूनाइटेड नेशंस से जो एसोसिएट एनजीओज होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस के काम में हेल्प करते हैं या किसी तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो हम उन्हें सिविल सोसाइटी का पार्ट मान सकते हैं। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस जो बॉडी है उसको हम सिविल सोसाइटी का पार्ट टेक्निकली नहीं मानेंगे। बट उसके अलावा अगर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू कोई एनजीओ कंसल्ट करती हैं या किसी तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, तो वो यूनाइटेड नेशंस, वो सिविल सोसाइटी का पार्ट तब भी एक तरह से मानी जाएंगे। ओके, रामदियो, यस, अगर सभी जनता को सिविल सोसाइटी का पार्ट माना जा सकता है, बट अगर वो ये काम इंश्योर करें या ये काम करें कि यस लोगों के प्रति जागरूकता यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करने पे अपनी एक कॉन्ट्रीब्यूशन निभाएं या किसी तरह का हेल्प प्रोवाइड करें, तो उन्हें सिविल सोसाइटी का पार्ट माना जाता है। ओके, शहबाल, आई नेवर सेड दैट जुडिशरी इज पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। यू, आई सेड दैट जुडिशरी इज नॉट पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। मैंने यही बोला अभी कि सिंस इट्स अ ब्रांच ऑफ स्टेट और अ ऑर्गन ऑफ स्टेट, इट विल बी कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। मैंने यही बोला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि सिविल सोसाइटी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया में। ओके, सो
आप सभी को याद होगा कि मैंने एक बार एक लेक्चर लिया था जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म पे। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म पे मैंने लेक्चर लिया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप ये लेक्चर फिर से देख ले एक बार। यूट्यूब और ग्रेड अप ऐप दोनों पे अवेलेबल है। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो हमारे देश की न्यायपालिका जुडिशरी है उसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन निभाया है लोगों की इंटरेस्ट और नीड्स को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने का। जिसमें अगर लोग सैटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है कि जिस तरह गवर्नमेंट सरकार काम कर रही है, तो वो उसकी शिकायत जाके न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी से कर सकती है एंड फिर उसका निवारण पा सकती है। उस समय जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि कैसे वे लोग जो अपनी खुद के राइट्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, जिन्हें नहीं पता उनके क्या राइट्स हैं, हु डज नॉट हैव देयर ओन वॉइस, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू अदर इंडिविजुअल्स हु आर अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट आर गोइंग ऑन एंड दे कैन रिप्रेजेंट देयर राइट्स इन द कोर्ट। PIL एक बहुत बड़ा हथियार यानी वेपन है जो सिविल सोसाइटी द्वारा यूज किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि अभी बहुत सारे PIL आजकल लगाए जाते हैं। इवन जब फार्म प्रोटेस्ट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फार्म लॉज पे होल्ड लगाने की बात की, जब तक एक कमेटी कोई डिसीजन पे नहीं आ जाती, ये फार्म लॉज पे होल्ड लाने की बात कुछ टाइम के लिए रोकने का भी जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट ने तब लिया जब उनके पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने PIL डाली यानी कि जनहित याचिका पेश करी। जनहित याचिका एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो सिविल सोसाइटी यूज करती है, जिसमें वे लोग जो शायद अपने इंटरेस्ट के लिए खुद जुडिशरी में आके अपील नहीं कर सकते या अपने इंटरेस्ट के लिए प्रतिनिधित्व नहीं ले सकते, अपनी समस्याओं को, अन्याय जो उनके साथ हो रहा है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो वो रिप्रेजेंटेशन PIL के थ्रू सिविल सोसाइटी प्रोवाइड कराता है, जिसमें सिविल सोसाइटी ये बात इंश्योर करती है PIL के थ्रू कि जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उन्हें जस्टिस मिल सके। और आप देखेंगे कि आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत PIL का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है सिविल सोसाइटी द्वारा। इसके अलावा सोशल मूवमेंट यानी कि सामाजिक आंदोलन का पार्ट बनके भी सिविल सोसाइटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देख भी रहे हैं और देखे भी हुए होंगे। पोलिटिकल पार्टीज भी बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। याद रखिए, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज सरकार का भाग नहीं है वो भी सिविल सोसाइटी का पार्ट मानी जाएंगी। और आपने देखा होगा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज भी आजकल सपोर्ट दे रही हैं और बोल रही हैं कि कैसे फार्म लॉस को हटा देना चाहिए। फार्म लॉस सही है या नहीं हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन और सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, सोशल मीडिया में या नॉर्मल न्यूज़पेपर, टीवी पे जो आप न्यूज देखते हैं उसमें भी सिविल सोसाइटी का कॉन्ट्रीब्यूशन साफ देखने को मिलता है। लॉबिंग यानी कि प्रेशर क्रिएट करके भी सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जब भी किसी तरह के लॉज या पॉलिसी बनाती है, सिविल सोसाइटी अपना प्रेशर डाल के बताती है कि देखो ये मांग है लोगों की और हम चाहते हैं कि आप ऐसे कानून बनाएं। तो ये जो प्रेशर है जो गवर्नमेंट पे पड़ता है उससे भी सिविल सोसाइटी अपना बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती है। ओके, एंड गवर्नमेंट भी आए दिन सिविल सोसाइटी की मदद लेती रहती है ये समझने के लिए कि लोगों को किस तरह की कानून और नियम पॉलिसीज चाहिए। जैसे मैंने आपको नीति आयोग का एग्जाम्पल दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। पहला है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, जो ये रेनी विलेज के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें से बहुत सारे महिलाओं ने ही चिपको आंदोलन भी किया था और इसीलिए ये रेनी विलेज और भी ज्यादा अभी बातचीत चल रही है इसकी, जहां उत्तराखंड की त्रासदी जहां हुई है अभी ग्लेशियर फटने से, इस रेनी विलेज से ही बहुत सारी महिलाओं ने चिपको आंदोलन में भी भाग लिया था। तो ये जो विलेज है ये बहुत ही ज्यादा हमेशा से अवेयर रहा है, जागरूक रहा है कि पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए। और इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए 2005 से लेकर
एक तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में डाला था इसी बात पे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को रोक देना चाहिए, और रेनी विलेज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और अभी इस पे ही बातचीत चल रही है और ये समझने की कोशिश करी है कि क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से बैन करना चाहिए उत्तराखंड में या नहीं, क्योंकि वहां पर्यावरण पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में हम सभी को पता है, मेधा पाटकर और बाबा आमटे एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लीडर्स थे जिनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिला अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, आप सभी को पता है राइट टू इंफॉर्मेशन अब एक कानूनन अधिकार है जो हर एक नागरिक को मिला, एक लीगल राइट है जो हर एक सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है, और उसमें MKSS ने अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। मजदूर किसान शक्ति संगठन जिन्होंने 1990 में लोकल करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, और उसी से राइट टू इंफॉर्मेशन को एक तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का उसी से जन्म लिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिविल सोसाइटी के प्रेशर से गवर्नमेंट को बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी करना होता है। एंटी करप्शन मूवमेंट जब हुआ था उसी के बाद लोकपाल लोकायुक्त एक्ट को फाइनली पास किया गया पार्लियामेंट में 2013 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट को और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाने में। बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स थे उन बच्चों को एक नई जिंदगी देने का बीड़ा उठाया, जिनके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2014 में मलाला यूसुफ असाई के साथ। मलाला यूसुफ असाई भी एक तरह से सिविल सोसाइटी का ही पार्ट थी जिन्होंने अपने देश अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट लड़के ये बोला कि कैसे लड़कियों को एजुकेशन के लिए एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। LGBTQ राइट्स 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को जो IPC का 377 है उसे इलीगल घोषित करा, और इसमें बहुत सारे NGO ने अपनी योगदान निभाया जैसे कि नास फाउंडेशन, ONDD, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के बारे में सुना होगा, ये एक्ट बनाया गया था 2013 में संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, जिसमें एक महिला जो वर्कप्लेस में काम करती है अगर उनके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसकी वो शिकायत दर्ज कर सकती है। ये जो कानून है ये भी पास तब किया गया जब विशाखा गाइडलाइंस लागू की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो विशाखा एक NGO था जिसने एक केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, एक PIL फाइल किया था क्योंकि एक महिला का रेप हुआ था जब वो अपना काम कर रही थी, और वो एक कह सकते हो कि बहुत ही गंदी और बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी, एंड उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये एक केस उन्होंने लड़ा था कि कैसे जितनी भी महिलाएं जो वर्कप्लेस में काम करती हैं उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उनको कुछ राइट्स मिलने चाहिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा NGOs की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये दो ऐसे NGOs हैं जिन्होंने चुनावी सुधार या निर्वाचन सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसे कि आप सभी को पता है कि अब एक कैंडिडेट को अपना सारा बैकग्राउंड डिस्क्लोज करना पड़ता है कि उनके पास कोई क्रिमिनल तो बैकग्राउंड नहीं है, उनका एजुकेशनल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, ये सब उन्हें डिस्क्लोज करना होता है इलेक्शन कमीशन को। ये इसी ADR एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेटिक रिफॉर्म NGO द्वारा ही PIL फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 2003 में। इसके अलावा जो नोटा नन ऑफ द अबव एप्लीकेबल का ऑप्शन आपको आजकल मिलता है, ये भी 2013 में PUCL और ADR द्वारा ही PIL फाइल करके इसको लागू किया गया। फिर एक MP और MLA जिनके ऊपर कोई भी तरीके का केस है और उनको सजा मिल गई है उसको डिसक्वालीफाई करने की बात भी 2013 में की गई थी। फिर VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जो आजकल आप देखते हैं, जिसमें आप सभी ने देखा होगा 2019 में इसका बहुत ज्यादा यूज किया गया था, इसको भी PUCL और ADR द्वारा PIL साइन किया गया, जिसमें बोला गया कि और भी ज्यादा इस बात को सुनिश्चित रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि लोगों को ध्यान रहे कि उन्होंने किसको वोट किया और वही इंसान को वोट किया है या नहीं ये पता लग सके, इसके लिए VVPAT की सुविधा लाने की बात की गई और ये 2019 में
सब पूरा लागू किया गया 2014 के इलेक्शंस में फेजेस में लागू किया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एनजीओ सिविल सोसाइटी का जो मेंबर है वो इतने बड़े रोल प्ले करते हैं। ओके तो ये था आपका लेक्चर ऑन सिविल सोसाइटी। 2020 के अक्टूबर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था सिविल सोसाइटी से। क्वेश्चन है कि इनमें से सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन? बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, विज्ञान प्रसार और मजदूर किसान संघर्ष समिति। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है? तो मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में अभी बता दीजिए कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, जल्दी बता दीजिए। यस रामदियो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस रूमा प्रेशर ग्रुप भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है, तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी थी। यस सॉरी मैंने गलती से अफगानिस्तान बोल दिया था। यस पाकिस्तान, वेरी गुड। यस ईलगिंग गेमिंग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती से मैंने अफगानिस्तान बोल दिया, पाकिस्तान, राइट। ओके काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, बहुत सारे बच्चे सी लिख रहे हैं और यहाँ ही गलती पता चलती है। आंसर है इस क्वेश्चन का डी, आंसर है इस क्वेश्चन का डी। मैंने आपको क्या बताया था कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट बॉडीज नहीं आती हैं। बचपन बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे द्वारा सोशल मूवमेंट था, एमकेएसएस आरटीआई अगेन एक एनजीओ है, एक बॉडी है, पर ये जो विज्ञान प्रसार है ये मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट के अंतर्गत। विज्ञान प्रसार जो है वो गवर्नमेंट के मंत्रालय में आती है, इसीलिए ये आंसर नहीं है। ए बी डी है सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल सोसाइटी के वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं बिना किसी प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और जिनका मेजर काम होता है सोसाइटी के वेलफेयर और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कि गवर्नमेंट किस तरह के लॉज और पॉलिसीज बना रही है और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना, स्पेशली वीकर सेक्शन को। तो गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं होती है, गवर्नमेंट की बॉडीज सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं होती है, ठीक है? तो इसका आंसर है डी, तो याद रखिएगा। तो ये था आपका लेक्चर ऑन सिविल सोसाइटी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि कैसे ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो ओके लिख दीजिए। जो बच्चे मुझे यूट्यूब से जुड़ रहे हैं वो लाइक लिखिए। लाइक का मतलब मैं यही समझूंगी कि आपने हमारे सेशन को लाइक भी किया है और आपको सब कुछ समझ भी आ गया है। यहाँ मैंने टेलीग्राम के चैनल भी बताए हैं, दो चैनल है टेलीग्राम के ग्रेडअप पे, ग्रेडअप के सॉरी, एक चैनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट ग्रेडअप और दूसरे चैनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस बाय प्रद्युमन त्रिपाठी एंड प्राची शर्मा। ये दो ग्रेडअप के चैनल हैं टेलीग्राम पे, आप इसको सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे या आपको सारे नोट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताई जाती हैं। अगर आप मेरे से कोई भी पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का हैंडल का नाम ये है प्राची शर्मा अंडरस्कोर ग्रेडअप। अगर आपको यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो आपको सिर्फ टाइप करना होगा प्राची शर्मा ग्रेडअप और आपको सारे के सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे, ठीक है? अगर आप ग्रेडअप ऐप पे हैं तो ग्रेडअप ऐप पे मेरी प्रोफाइल में जाके आपको सारे के सारे लेक्चर्स मेरे दिख जाएंगे, ओके? या फ्री लेक्चर्स पे जाइए या मेरे प्रोफाइल पे जाइए, आपको सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे, ओके? थैंक यू सो मच ज्योत्सना, गुड टू नो दैट। थैंक यू शहबाल, थैंक यू सो मच। मोनिका क्योंकि आज सुबह हो गई है तो नाइट में आज क्लास नहीं होगी, ओके? खुशबू फी के बारे में आपको ग्रेडअप की वेबसाइट और ऐप पे पता चल जाएगा, ग्रेडअप की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? कोई नहीं, नॉर्थ ईस्ट गर्ल, मेक श्योर दैट यू सी द लेक्चर, यू नो आफ्टरवर्ड्स आप रिकॉर्डिंग जरूर देखें और अच्छे से समझ आ जाए, यही मेरी कल वो आशा है, ओके?
Most welcome, Sagar. Glad to know that now civil society as a topic is clear to you. Glad to know that. Okay, so on this note, I'm ending this lecture over here. Okay, अब मैं आपसे मिलूंगी थर्सडे को. थर्सडे को मैं आपसे 8:15 यानी कि 8:15 पे मिलूंगी. एंड उस दिन थर्सडे को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉपिक है उस पर कौन कौन सी बुक से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये किसने बुक्स लिखी है सो एंड सो फोर्थ. वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में थर्सडे को 8:15 PM में बताऊंगी. तो प्लीज उस लेक्चर के लिए जरूर जुड़िएगा. ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. एंड रेटिंग देना मत भूलिएगा ग्रेड अप ऐप पे. Thank you.